क्या आपकी उम्र 25 से 70 साल के बीच है? क्या आप भी डिजीज फ्री लाइफ जीना चाहते हैं? अगर आपका रिप्लाई हाँ में है तो आपको एक पेन और नोटबुक लेकर इस वीडियो में बताई गई 10 बातों को बड़े ध्यान पूर्वक अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करना होगा। पहली बात, अपने से छोटों के साथ प्यार और अपनेपन से मिलें। उन पर कोई व्यंग या टिप्पणी ना कसें और अपने चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल जरूर रखें। 50 से 75 साल के बीच वाले लोग, जिनका पास चाहे कितना ही इन्फ्लुएंशियल, कितना ही प्रभावकारी क्यों ना रहा हो, पर उसे अपने प्रेजेंट यानी वर्तमान पर कभी हावी ना होने दें। दूसरी बात, अपनी फिजिकल बॉडी से रोजाना कुछ शारीरिक काम जरूर लें। ये काम कोई एक्सरसाइज करना हो सकता है, वॉक करना हो सकता है, आउटडोर गेम्स खेलना हो सकता है, जैसे मैं बात करूं फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या स्विमिंग करना, ये भी हो सकता है, या फिर कोई और हार्ड वर्क भी हो सकता है। पर्पस सिर्फ इतना है कि ऐसा करने के दौरान आपकी बॉडी पूरी तरह से हरकत में आ जाए। दोस्तों, बॉडी को चलाए रखने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे पैदल चलने का मौका कभी न गंवाना, गाड़ी का कम से कम प्रयोग करना, ऑफिस या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में लिफ्ट्स के प्रयोग को काफी हद तक घटाना, जैसी बातें आपको फिट रखने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो। तीसरी बात, गुस्सा करने, चिंता करने और दुखी रहने से हमेशा बचें। जलते हुए अंगारे सबसे पहले उस इंसान के हाथ को जलाएंगे जिसने उन्हें अपने हाथों में थाम कर रखा हुआ है। और कहा भी जाता है कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। सिर्फ छोटी छोटी बातें जीवन का सुख चैन छीन लेने के लिए काफी होती है, इसलिए इन्हें नजरअंदाज करना आज से ही सीख लें। चौथी बात, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, लेकिन क्वालिटी फूड या डाइट जिनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर जैसी चीजें शामिल हों, उन्हें अपनी डाइट में जरूर से शामिल करके रखें। पांचवी बात, बालों का कम होना या बालों का सफेद होना जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक बेहतरीन जिंदगी का आरंभ मानकर चलें। लाइफ को गुड मेमोरीज के साथ साथ जॉयफुल, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बनाएं। इस दिशा में ना जाने मैंने कितने ही प्रयोग किए हैं और करता आ रहा हूं। छठी बात, दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीकर अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। सातवीं बात, इंसान पैसा कमाता है जिससे वो एक सुंदर जीवन जी सके, लेकिन आजकल ये मामला उल्टा होता जा रहा है। दैट मीन्स इंसान जीवन जी रहा है पैसा कमाने के लिए। जरा गौर से सोचिएगा मेरी इस बात को। आठवीं बात, अक्सर देखने में आता है कि पोस्ट, पावर और पोजीशन इंसान को इगोइस्टिक बना देते हैं, इसलिए पोलाइटनेस के साथ लोगों से करीबियां बनाएं। नौवीं बात, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। आपके पास जो पूर्ण प्रयास के बाद मिले उसका शुक्राना करना सीखिए, और जो नहीं है उसका कम करने से बेहतर है कि उसे पाने के लिए अपने प्रयास की इंटेंसिटी को 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना कर दीजिए। और फाइनली दसवीं बात, पैसा कमाने की दौड़ में जीवन जीना ना भूल जाइए। अपने जीवन के हर पल को सुंदर, यादगार और पश्चाताप रहित बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दीजिए। इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी ने एक बात कही थी कि पैसा कमाने की दौड़ में कहीं ना कहीं
वो जीवन की जरूरी चीजों के लिए वक्त निकालना भूल गए। बहुत बड़ी बात है। अगर ये 10 बातें आपको प्रभावित करती हैं, अच्छी लगी हैं, तो मेरे चैनल बीइंग हेल्दी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और यही वीडियो अगर आपको ऑथर रवि शर्मा चैनल में, मेरे ही चैनल में मिले, तो वहां भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सो बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।